नीतीश कुमार जल्द ही मारेंगे पलटी। शाह ने झंझारपुर से भेजा सिग्नल। इंडिया का बिखरना लगभग तय। देश में इस समय सुर्खियों में एक खबर तेजी से चल रहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही पलटी मार सकते हैं, और नीतीश कुमार कब क्या कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका चर्चा जब शुरू हुआ जब G20 सम्मेलन में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केमिस्ट्री देखने को मिला, ठीक उसी समय से यह कयास लगाया जाने लगा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार के तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, लेकिन दिल्ली से आने के बाद नीतीश कुमार का चाल ढाल बदल गया है। उनके कार्यकर्ता नीतीश कुमार को PM उम्मीदवार बताने लगे हैं। ऐसे में यह कयास लगाए जाने लगा है कि नीतीश कुमार के कार्यकर्ताओं का यह बयान बता रहा है कि एकाएक दिल्ली से आने के बाद नीतीश कुमार के नेताओं का सुरताल बदल गया है। जहां इंडिया गठबंधन के लोग नीतीश कुमार को PM उम्मीदवार बताए ही नहीं, इनके कार्यकर्ताओं में इतनी बेचैनी आखिर क्यों बढ़ गई? क्या नीतीश कुमार इंडिया छोड़ फिर NDA में जा सकते हैं? लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा अभी कोई बयान नहीं दिया। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के झंझारपुर आकर नीतीश कुमार को लेकर बयान दे दिए हैं कि इस बयान से फिर एक बार बिहार में सियासत गर्मा गई है। तब से फिर से लोग कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे ही मारेंगे। आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, लेकिन बिहार में चुनाव के साथ साथ नीतीश कुमार की पलटी मारने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई। इसी बीच अमित शाह ने निशाने पर लेते हुए मुख्य रूप से नीतीश कुमार और लालू यादव पर, हालांकि उन्होंने तो कई मुद्दों पर नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को घेरा, लेकिन नीतीश कुमार को कई नसीहत भी दे डाली। अमित शाह ने कहा कि जितना जल्दी महागठबंधन त्याग उतना ही उनके लिए फायदा रहेगा। वहीं नीतीश और लालू की जोड़ी को लेकर भी नसीहत दे डाली है और उनका जोड़ी को तेल और पानी की तरह बताया और कहा कि तेल को कुछ नहीं होता लेकिन पानी मैला हो जाता है। अमित शाह ने नीतीश को कहा, सावधान हो जाइए, आपने जो प्रधानमंत्री बनने के लिए गठबंधन किया है वह आपको बर्बाद कर देगा, आपका और आपके पार्टी के छवि को धूमिल कर देगा, ना घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा। साफ तौर पर नीतीश कुमार को संकेत दे दिया गया है कि आप महागठबंधन त्याग दीजिए, नहीं तो आप कहीं का नहीं रह पाइएगा। अमित शाह ने कहा कि लालू यादव फिर बिहार में मजबूत हो रहे हैं और आपकी सुशासन की सरकार बैकफुट पर जा रही है। एक तरह से अमित शाह ने साफ कर दिया कि आप महागठबंधन त्याग दीजिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाइएगा। बातों ही बातों में अमित शाह ने यह नीतीश कुमार को संकेत दे दिया और बिहार के झंझारपुर से नीतीश को संदेश के माध्यम से न्योता दे दिया और कहा कि आप संभल जाइए, अभी भी मौका है। अमित शाह के इस संदेश से देश भर में यह बात चर्चा में है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। लगातार इस खबर पर